हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर कुकिंग लवर्स। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है गाजर का हलवा, जो सबको बहुत ही पसंद आता है और ये बहुत ही टेस्टी भी होता है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जो घर में अवेलेबल होते हैं। आइए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो गाजर, इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और ये मैंने लिया है बादाम, 8 से 10 बादाम है। और ये लिया है मैंने काजू, ये भी ऐसे 8 से 10 काजू हैं। और ये मैंने लिया है इलायची, इसे क्रश कर लेंगे। और ये लिया है 1 गिलास मिल्क। और ये देखिए, मैंने गाजर को अच्छे से वॉश करके इसे किस लिया है, इसे ग्रेटर से मैंने किस के रख लिया है। अब हम गाजर बनाने के लिए गैस पर रख देंगे कढ़ाई। अब इस पर हम डालेंगे घी, 2 चम्मच मैंने घी यूज़ किया है। अब इसे घी को हम पिघलने देंगे और इस पर हम इसे थोड़ा गर्म होने देंगे, पिघलने देंगे। उसके बाद इस पर हम ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट तक इसे हल्का सा ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। इससे क्या है, ड्राई फ्रूट्स जो हैं अच्छे से पक जाएंगे और टेस्टी लगेगा। तो इसे मैंने फ्राई कर लिया, आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं। ऐसे हम निकाल लेते हैं। और घी जो है बहुत गर्म है अपना, अब फ्लेम जो है लो रखना। अब मैं डाल देती हूँ इस पर गाजर। और फिलहाल मैंने फ्लेम जो है वो लो रखा है क्योंकि घी जो है वो काफ़ी गर्म है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही खुला करके, इसे ढककर नहीं ढकना है, ऐसे ही खोल के हैं 15 से 20 मिनट तक इसे पकाना है। और चम्मच चलाते रहना है बीच बीच में। और ये देखिए, जो 15 से 20 मिनट बाद ये देखिए जो हमारा गाजर है वो काफ़ी हद तक पक चुका है, और मतलब जितना मैंने डाला था उससे कम हो चुका है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुका है, इसे अभी और पकाना है। जितना अच्छे से हम इसे पकाएंगे गाजर का हलवा, उतना ही अच्छा लगेगा। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और 4-5 मिनट तक हम इसे ऐसे पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखेंगे। ये देखिए गाजर जो है वो पक चुका है, वो काफ़ी कम हो चुका है जितना मैंने लिया था उससे। अब इस पर हम डालेंगे 1 गिलास मिल्क, फुल मलाई वाली मिल्क थी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। गाजर का हलवा जो है वो कई प्रकारों से बनाया जाता है, खोआ डाल के भी बनाया जाता है, पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है मिल्क डालकर, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है मिल्क से भी। तो इसे हम अभी कम से कम 15 मिनट हम इसे ढककर और पकाएंगे ताकि हमारा मिल्क जो है अच्छे से पक जाए, मिल्क के साथ जो गाजर है वो अच्छे से पक जाए। तो 15 मिनट बाद हम देखेंगे। ये देखिए मिल्क जो है काफ़ी कम हो चुका है। अब इस पर हम ऐड करेंगे शक्कर, मैंने आधा कटोरी शक्कर लिया है। और गाजर जो है काफ़ी मीठा होता है तो आधा कटोरी शक्कर बहुत काफ़ी है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इस पर डाल देती हूँ 7 से 8 इलायची मैंने लिया था, इसे अच्छे से क्रश कर लिया था। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और इलायची डालने के बाद जो खुशबू है वो बहुत ही मज़े की आ रही है। और इसे 15 से 20 मिनट तक और पकाएंगे जब तक ये जो है मिल्क है वो सोख ना ले। और इसे हम ढक देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए और आप बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। 15 से 20 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देखेंगे। ये देखिए हमारा जो गाजर का हलवा है वो तैयार हो चुका है। ये कढ़ाई छोड़ रहा है, जो ये हलवा है वो कढ़ाई छोड़ने लगता है जब अच्छे से पक जाता है, तो एकदम रेडी हो चुका है और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। अब हम लास्ट में डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने ये काजू बादाम लिया है, इसे मैंने फ्राई कर लिया था, इसे लंबे लंबे मैंने कट कर लिया है। आप अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसे 1-2 मिनट तक और पकाएंगे हम ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये हलवा बनाया है, जो घर में सामान अवेलेबल होते हैं उससे बनाया है। और इसे कुकर में भी बनाया जाता है हलवा को, गाजर के हलवा को झटपट तरीके से। तो मैं अब कुकर वाली भी रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। अब इसे हम बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बाउल में जो है हलवा सर्व हो चुका है। उस पर मैं डाल देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकि हमारा जो हलवा है वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही लगेगा। अब जो है हलवा एकदम तैयार हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।